जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोग्राफी शो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्त मोहम्मद मिजारी के बारे में। रिसेंटली दोस्तों आपने देखा होगा कि सूबाई असम्बली में जो वाहवेला मचा, जिसमें दोस्त मोहम्मद मिजारी ने चौधरी शुजात के खत पे पीएमएल काफ के जो 10 वोट थे उसको मुस्तरद किया और हमजा शहबाज को सीएम जो है वो डिक्लेयर किया, तब के बाद ये दोस्त मोहम्मद मिजारी काफ़ी ज़्यादा जो है वो खबरों में हैं। आज की वीडियो में हम आपको इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और बायोग्राफी बताएंगे। सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और करंट डिप्टी स्पीकर हैं सूबाई असम्बली में। वह अगर बात करें ये पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटीज़ में से एक हैं। अगर बात करें ये 2008 से 2013 तक नेशनल असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। दोस्तों अगर बात करें इनकी एज की, दोस्त मोहम्मद मिजारी 15 अगस्त 1980 को कराची में पैदा हुए। इनकी जो एज है वो तकरीबन 43 इयर्स बनती है। अगर बात करें इनकी एजुकेशन की, दोस्त मोहम्मद मिजारी ने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मुकम्मल की और फिर इन्होंने अपना करियर सियासत में शुरू किया। अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। ये एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो इनके जो दादा अबू थे, अगर इनके दादा अबू की बात करें जिनका नेम मीर बालक शेर मिजारी था, वो वेस्ट पाकिस्तान सूबाई असम्बली के मेंबर थे और बाद में फिर वो 1972 से लेकर 1977 तक पंजाब असम्बली के मेंबर भी रहे। इनके फादर का नेम मेजर तारिक महमूद मिजारी है। बल्कि अगर बात करें इनकी वाइफ के बारे में, दोस्त मोहम्मद मिजारी शादीशुदा हैं और अजवाजी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं। बल्कि अगर बात करें इनके कैरियर के बारे में, सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी एक यंग पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं जो कि रिसेंटली डिप्टी स्पीकर भी हैं सूबाई असम्बली में 2018 से। बल्कि अगर बात करें 2008 2013 तक नेशनल असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। दोस्त मोहम्मद मिजारी ने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से किया था, फिर इन्होंने पीपल पार्टी को छोड़ कर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और वहाँ से इन्होंने इलेक्शन भी जीता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हें डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुकर्रर किया। 2018 में ये डिप्टी स्पीकर मुकर्रर हुए, फिर 2022 में इनकी पार्टी ने इन पर कोई एतमाद नहीं दिखाया। बात आगे ही बढ़ने वाली थी कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को इस्तीफ़ा देना पड़ा और पीएमएल हमजा शहबाज सीएम बन गए। फिर जुलाई 2022 में दोस्त मोहम्मद मिजारी ने पीएमएल काफ के 10 वोट मुस्तरद किए और चौधरी शुजात के खत पे अमल करते हुए उन्होंने हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बना दिया। वेल अगर बात करें तो ये थी इनकी बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्त मोहम्मद मिजारी के बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।